हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आउट हुई हैं आप सभी लोगों के लिए टाटा स्टील की तरफ से। अब टाटा के बारे में मैं क्या बताऊँ, टाटा स्टील एक बहुत ही बड़ी MNC है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, मल्टी नेशनल कंपनी है। अगर टाटा कंपनी में आपके रिक्रूटमेंट हो जाता है तो इट इज़ नॉट लेस देन आपका गवर्नमेंट जॉब में आपकी नौकरी लगी है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है आपकी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। और देखो पहले ही बता देता हूँ कौन कौन इसमें एलिजिबल है। अगर आपने BE BTech कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, या BE BTech 4 साल का कर रखा है, और किसी भी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस मेटलर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत सारी ब्रांचें, एक दो शायद मैंने कम ही बोली होंगी, केमिकल वगैरह भी एलिजिबल है इसमें, और पावर मेटलर्जी करके एक वैकेंसीज हैं। तो बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है और मेरे को लगता है 500 के प्लस ही आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है इसमें। इन्होंने देखो वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, JET की पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट मिलने वाला है, और 3 साल का डिप्लोमा हो फिर भी एलिजिबल हो, 4 साल के आपके पास BTech है फिर भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो दोनों तरह की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, तो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। चलो डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि देखो एक है तो ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन जो इसका रिक्रूटमेंट होता है वो किसी गवर्नमेंट कंपनी से कम नहीं होता, क्योंकि ये अपने में एज क्राइटेरिया भी रखती है, और ये फ्रेशर्स के लिए है। और अगर आप 2022 में भी पास आउट होने वाले हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो, फिर भी आप एलिजिबल हो, और आप पहले भी पास आउट हो चुके हो, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 कभी भी आप पास आउट हो चुके हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। हाँ थोड़ा सा एज क्राइटेरिया जरूर है, तो उस एज क्राइटेरिया को पूरा ध्यान में रखते बात करता हूँ मैं, और कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, एक एग्जाम होता है और फिर उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है, कितने परसेंटेज आपको BTech के दौरान चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खोज के हर इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत प्राइवेट जॉब है जो कि आप सभी लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वो भी आपको उसी टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाती है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये अभी टाटा स्टील की ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट, ठीक है। उसके करियर सेक्शन में आपको एक नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। करियर सेक्शन देखो, इन सब की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी किसी की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि भाई साहब हम कहाँ अप्लाई करने जाना है। पूरा मैं प्रोसीजर भी बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है वो तो मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ करियर सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर एक आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा इंटरफेस, वहाँ पर लिखा हुआ है होस्टेड नौकरी, करंट ओपनिंग। सो करंट ओपनिंग में अप्लाइंग फॉर जॉब एंड इंटर्नशिप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो कि ये है, ठीक है। थोड़ा सा मैं और कर लेता हूँ बैक, देखो ऐसा देखने को मिलेगा कुछ आपको, ठीक है। तो उसमें देखो क्या है, मैं पहले बता देता हूँ, इसमें वैकेंसीज तो आपकी बहुत निकली हुई है इसमें, लेकिन कुछ परफेक्ट डोमिसाइल होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखो अगर आप JET के लिए डाल रहे हो तो उड़ीसा डोमिसाइल, महाराष्ट्र डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश डोमिसाइल, इन 3 स्टेट के लोग ही इसको फिल कर सकते हैं। पहले झारखंड की जॉब निकली थी, उसको अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं डाल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वाली जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, JET 2022 एडवर्टीजमेंट फॉर ओपन कैटेगरी, ओडिशा डोमिसाइल, महाराष्ट्र डोमिसाइल और उत्तर प्रदेश डोमिसाइल, यानी कि 3 स्टेट के लोग ही इसको भर सकते हैं, रिमेनिंग स्टेट की बाद में निकलेंगी वैकेंसीज, हर स्टेट की अलग अलग सेपरेट वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये अभी 3 स्टेट का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, झारखंड का पहले ही जा चुका है आके, तो ये 3 स्टेट का है, ठीक है। चलो मैं और बताता हूँ आपको डिटेल में, तो जैसे ही आप इनमें से किसी पे एक पर क्लिक कर लेना तो आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, बस डिफरेंस इसमें डोमिसाइल का ही है, बाकी तीनों के नोटिफिकेशन सेम है, डिक्टो और पूरा लास्ट डेट वगैरह। देखो लास्ट डेट प्राइवेट कंपनीज की बहुत कम रहती है, तो जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फिल करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो फिर मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश वाला खोल लेता हूँ, लेकिन बच्चे कुछ सेम है, बस डोमिसाइल का अंतर है, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश वाला खोलता हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होने को मिल जाएगा, ठीक है। और देखो अगर आपको अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन वाले प्रोसेस पर क्लिक करके यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्ट अप्लाई वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या बेसिक डिटेल्स हैं और क्या क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो चलो मैं डाउनलोड करता हूँ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री है, ठीक है। तो दोस्तों ये टाटा स्टील का देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टाटा स्टील जैसे देख सकते हो यहाँ पे JET जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पे आपका रिक्रूटमेंट निकला है। और देखो आपका ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है वो 15 अप्रैल को होने वाला है, ध्यान में रखना 15 अप्रैल को आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, 2 प्रोसेस होती है उसमें। तो जो ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट होगा वो 15 अप्रैल को होगा, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 2 अप्रैल,
27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल केवल 5 दिन का आपको टाइम दिया है, 5 से 6 दिन का आपको फॉर्म फिल करने का। तो जैसे आज 29 तारीख हो गई है तो 2 अप्रैल तक जरूर से फॉर्म फिल कर देना जो भी एलिजिबल है इसमें, ठीक है। सभी एलिजिबल है। वैसे तो देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है टाटा स्टील इज लुक का ब्राइट डिप्लोमा स्लैश डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन माइनिंग माइनिंग सर्विंग, ठीक है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है, ये मतलब डिग्री आपकी डिप्लोमा इन दोनों ब्रांच इन ये जो सारी ब्रांचेज मेंशन है उनमें से किसी में एक में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रखा है 3 या 4, यानी कि 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है, 4 साल की आपकी डिग्री होती है। तो फुल टाइम आपकी डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच में, ठीक है। 3-4 आपकी पोस्ट निकली है R&D वगैरह में, GN में, देखो मेकाट्रॉनिक्स है वो भी एलिजिबल है इसमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकाट्रॉनिक्स ये सारी एलिजिबल है, ठीक है। अलग अलग साइट्स हैं उन जगह पे आप एलिजिबल हो। फाइनल ईयर में अगर हो आप तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। लास्ट डेट मैंने पहले ही बता दिया आपकी 2 अप्रैल होने वाली है। और देखो इसमें एज क्राइटेरिया मैंने जैसे पहले आपको बताया था, एज क्राइटेरिया यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। देखो अगर आप जनरल में हो और मेल हो तो 1997 से लेके 2005 के बीच में आपकी एज डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। 1 मार्च 1997 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हो, ठीक है, SC ST हो सॉरी, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, 1994 से लेके 2005 के बीच में हो जाती है आपकी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना आपको अति आवश्यक है, और 2 आपको पहले उड़ीसा और महाराष्ट्र का, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स ही एलिजिबल हैं इसमें। और हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 142 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स, ठीक है। थोड़ा आपका एज जो हाइट वगैरह उसका फिजिकल टेक्सचर का भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया इसमें, ठीक है। और पावर ऑफ ग्लासेस 4 से ज़्यादा आपकी आँख पर चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विजन क्लियर होना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन कर रखा है, देख लेना एक बार। देखो इनिशियली आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद में फिक्स रिक्रूटमेंट आपको फिक्स्ड बेसिस पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें आपको 15,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। और फाइनल ईयर भी इसमें एलिजिबल है, तो कोई भी आपको इफ एंड बट नहीं बचना चाहिए। मिनिमम आपकी देखो अगर आप मेल हो तो 60% आपके होने चाहिए बीटेक या डिप्लोमा के दौरान, अगर आप फीमेल हो तो 55, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपका 50%, ठीक है। और ट्रांसजेंडर हो फिर भी 55 होने चाहिए आपके, ठीक है। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, और सब कुछ मैंने बता दिया वैसे। और देखो सिलेक्शन जो आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे मेंशन है, इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है, ऐसे करके फॉर्म फिल करना है। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैंने वहाँ पे भी बता दिया था आपको इनिशियल स्टेज में कि अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आप तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो अपना, जो आपका JET की पोस्ट पर आपको फॉर्म फिल करना है तो वहाँ से भी फिल कर सकते हो। और दूसरा मैं रजिस्ट्रेशन की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप फॉर्म फिल कर देना, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। तो और देखो आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल को होने वाला है रिटन एग्ज़ाम, और जो आपका उसका एडमिट कार्ड है वो 8 अप्रैल को ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। पहले वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपके 60% से कम ही तो नहीं कहीं आपने फॉर्म फिल कर दिया है, वैसे सारे बच्चे उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना अगर आपके 60% से ज़्यादा हैं और आप इस क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हो तो, ठीक है। गुड अपॉर्चुनिटी है, अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करते हैं, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है। इस बार मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये मेंशन कर रखा है। और देखो मैं एग्जाम का थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ प्रीवियस ट्रेंड को लेके, आगे वाले का मैं कुछ कह नहीं सकता क्या आएगा, लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड में ऐसा रहा है मैं वो बता देता हूँ। देखो कुछ एप्टीट्यूड पोर्शन आता है, कुछ रीजनिंग पोर्शन आती है और कुछ टेक्निकल पोर्शन होता है। ये 3 पोर्शन होते हैं आपके एग्जाम में, और अलग अलग आपकी कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ती है, बहुत कम ही कट ऑफ होती है, ठीक है। तो वो आपको क्रॉस करनी पड़ती है, और ऐसा कुछ नेगेटिव वेगेटिव नहीं होता, ये तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता है 1-2 दिन के अंदर में, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग बेसिक सी होनी चाहिए, और उसके बाद में जितना भी टेक्निकल है, टेक्निकल देखो स्टील से रिलेटेड चीज़ जरूर पढ़ लेना, जो मटेरियल साइंस है वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें मैं मैकेनिकल की बता रहा हूँ। और देखो जो भी वैसे रिलेटेड ब्रांच है वो भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया या कोई और ब्रांच हो गई, सिविल हो गई, वो थोड़ा थोड़ा जरूर मटेरियल साइंस पढ़ना, ठीक है। मटेरियल साइंस का वेटेज थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है आपका। और देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कैंडिडेट हैव टू पे 500 रुपीज़, आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं है ये, एक बार आपको पे कर दिया तो वो रिफंड भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट नीड्स टू पे रिक्वायर्ड चार्जेस कोटेड ऑन द एडवर्टीजमेंट 500 एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग असेसमेंट प्लीज टेक द ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको 500 रुपये पे करने हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जनरली पैसे लेती नहीं है, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट है और एक जेन्युइन सी कंपनी है, तो आपको 500 रुपये देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा क्राइटेरिया हो जाता है। दो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड फॉर द JET प्रोग्राम, जो भी सेलेक्टेड होंगे उनको JET के प्रोग्राम पर सेट कर दिया जाएगा। तो यही मेंशन कर रखा है इनमें। देखो आई थिंक आपको मैंने हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट में जाके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी है वहां जाके भी पूछ सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी
काफ़ी अच्छी है। 500 रुपये में आपको फीस पे तो करनी पड़ेगी भाई, क्या ही बता सकता हूँ। अगर आप इसी रिजर्वेटिव में फिक्स हो रहे हो तो आप 500 रुपये पे करना, अदरवाइज़ आप मत पे करना, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई साहब ये रिक्रूटमेंट ना बहुत जल्दी क्लोज होते हैं, और वैसे भी इन्होंने दे रखा है 2 अप्रैल आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जहाँ भी रहो पढ़ाई करो, हर अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूँगा।